यदि आपकी ट्रेन में अचानक तबीयत खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे, आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज का स्पेशल शो। भैया जी नमस्कार। यदि चलती ट्रेन में अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए तो किसी भी सूरत में ट्रेन को नहीं रोकना है। अधिकारियों के मुताबिक आदेश में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की ट्रेन में तबीयत खराब हो जाती है तो उसे किसी भी सूरत में ट्रेन नहीं रोकी जाएगी, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज कराया जाएगा। यह आदेश रेल मंत्रालय ने सभी स्टेशन मास्टर को दिया है। अधिकारियों के मुताबिक आदेश में कहा गया है किसी भी स्थिति में ट्रेन को लेट नहीं किया जाएगा। यदि आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपको रेलवे हेल्पलाइन नंबर 138 पर संपर्क करना है। रेलवे कस्टमर केयर आपकी ट्रेन का नंबर, आपका पीएनआर नंबर मांगेंगे और आपको किस प्रकार की बीमारी या समस्या है पूछेंगे। ऐसी स्थिति में रेलवे द्वारा आपको अगले स्टेशन पर आपकी सीट पर डॉक्टर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आप रेलवे हेल्पलाइन से संपर्क नहीं कर पाते तो आपको यह समस्या टीटीआई को भी बता सकते हैं। टीटीआई कंट्रोल रूम से बात करके अगले स्टेशन पर डॉक्टर उपलब्ध करा देगा। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार दवा दे देगा। यदि डॉक्टर को लगता है कि आपको अधिक इलाज की जरूरत है या आपके इलाज में अधिक समय लग सकता है तो यह आपको ट्रेन से उतार भी सकता है। इस इलाज के लिए आपको डॉक्टर को 100 रुपये फीस और दवाई का खर्च अलग से देना होगा। यह रसीद आपको चलान के रूप में मिल जाएगी। यदि मान लीजिए किसी कारणवश डॉक्टर आपको अगले स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हो पाया तो आपको उतार कर सरकारी अस्पताल भेज दिया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।